स्वागत है आप सभी का आज के मौसम समाचार में। तो चलिए जान लेते हैं देश भर के राज्यों में अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। दोस्तों कहां शीतलहर चलेगी और कहां ओले गिरने की संभावना है। दोस्तों आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें रोजाना मौसम के ताजा अपडेट जानने के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि देश के कई इलाकों में बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दोस्तों माना जा रहा है कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तटीय तमिलनाडु में हल्के से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई। दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तरी पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दक्षिणी केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी और कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। दोस्तों वहीं बारिश और बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी लौट आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तटीय तमिलनाडु में हल्के से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों वहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। इसी में आइए जानते हैं मौसम विभाग के अनुसार आज देश भर के मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज देश भर में आज कैसा रहेगा मौसम, यानी मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तटीय तमिलनाडु में हल्के से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंतरिक्ष तमिलनाडु और दक्षिण केरल में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दोस्तों वहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है। वहीं पूरे उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में आज का मौसम कैसा रहेगा, यानी मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटों के दौरान यूपी के आगरा मंडल को छोड़कर अन्य मंडल में तापमान और हवा की गति बढ़ने के आधार पर अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क और साफ रहने का अनुमान जताया है। दोस्तों मौसम के लिहाज से प्रदेश के दोनों जोन यानी पूर्व और पश्चिम में सभी प्रमुख शहरों में सुबह के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग ने पश्चिमी हवाओं की गति में इजाफा की वजह से प्रदेश के कई इलाकों में सुबह हल्का कोहरा रहने का पूर्व अनुमान व्यक्त किया है। दोस्तों साथ ही पश्चिमी यूपी के एक या दो स्थानों पर आज बहुत मामूली बूंदाबांदी होने की संभावना है। दोस्तों राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा, यानी मापटा के बाद कोहरा और हवा में नमी से सर्दी बढ़ गई है। कोहरे से जयपुर एयरपोर्ट पर बिजली 50 मीटर रहेगी। दोस्तों वहीं प्रदेश में ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आज तेज उत्तरी हवाएं प्रभावी रहने की और इन कई इलाकों में कोहरे में नमी आ सकती है। दोस्तों इसके साथ ही तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। बीकानेर में भी कोहरे में कमी आई है और ऐसे में आज दिन भर तापमान में गिरावट से सर्दी में तेजी आ सकती है। तो दोस्तों ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।